ऊंच नीच गर जन्म लेवे बेरे वे संत का संत। सबदा मारा मर गया और सबदा छोड़ा राज, जिन जिन शब्द पहचानिया ए भई जा का सरिया काज। लागी लागी सबके अरे लागी नहीं रे लिगार, ए जी लागी हरि के नाम की बहो गई कलेज पार। के वह लागी लागी सब कहे लागी नहीं लिगार, अरे लागी हरि के नाम की बहो गई कलेज पार। वाह वाह वाह, लागबो चीज कई प्रकार की आग्रह। एक तो आदमी कटे ठोकर कार पड़ जावे बे के लागे, पण बा लागोड़ी पाची तैयार वे जावे। अगर कोई आदमी के शब्द की लाग जावे नी बा पाची तैयार वे कोनी। और जिन जिन प्राणी के शब्द की लागी बे के राजपाठ के मैंने की कमी कोनी, पण बे के बा शब्द की लाग बाऊ बे सब ने छोड़। यार देखो भगवान का भजन करिया तो आज संसार के मैंने देखो अमर नाम है। तो देखो शब्द की कुण के लागी। अरे बने बीच भर करी ये भूपने एक मार दिया ताक निशाना। बन बीच भरतरी भूप ने मारा ताक निशाना। वाह वाह वाह। एक समय राजा भरतरी
जंगल का मैंने शिकार करबा के वास्ते निकल गया। जंगल का मैंने घूमता घूमता एक जगह सो हिरणिया मैंने एक हिरण राजा भरतरी भी मृग के जो को बाण लगा भी खत्म कर दियो। सो मिर्गी का मैंने एक मृग और भी के बाण लगा रहे जो बिना खत्म कर दियो यार आपके बिना घोड़ा को ऊपर मेल यार राजा भरतरी का ही रस्ते रस्ते भीर बेगा जो गेम को बने रास्ता का मैंने चालता चालता मुंडा के जो गोरखनाथ जी महाराज क्यों नहीं मिल जावे। राजा भरतरी भी घोड़ा का ऊपर नीचे उतर यार गोरखनाथ जी महाराज ने जो प्रणाम करे मैंने इनाम खावे। गोरखनाथ जी महाराज राजा भरतरी ने क्यों बेटा तू है जो को मारे प्रणाम लायक नहीं है संसार का मैंने थारा जैन को पापी राजा है ही कोई सब मिर्गी का मैंने एक ही मृग यार जी ने तो खत्म कर दियो थारा जैन को पापी राजा इस संसार का मैंने है ही कोई। राजा भरतरी गोरखनाथ जी महाराज ने क्यों महाराज आप है जो एडी लगा चोटी तक है भंगुआ पेरियो अगर ऐ भंगुआ का मैंने करामात है तो मैं तो इन्हें खत्म कर दियो आप है जो पाचो जीव तो करो यार नहीं तो भगवान ने क्यों शर्म मारो एन खोल रहे पाड़ मेल क्या तू मृग ने जीव तो करो यार नहीं तो महाराज ने एक बाण और बचोड़ो है। राजा भरतरी कहवे महाराज ने एक बाण और बचोड़ो है यार वो थके ला गया। गोरखनाथ जी महाराज ने कहवे गोरखनाथ जी महाराज मन में विचार करे अगर अपना भंगो की करामात इन्हें नहीं बतावानी जटा तक इन्हें ज्ञान की प्राप्ति वही बोली यारी की जिंदगी का मैंने खोटा काम करी तो गोरखनाथ जी महाराज मैं तो एक भगवान हूं। गोरखनाथ जी महाराज कहीं करो आपके हाथ का मैंने वो पानी की कमंडल ही यार भी पानी को मैंने एक पानी को खोचो भर यार भी मिरड़ा मिर के भी जल को छंटो लगाता ही वो एकदम जीव तो यार बनी का मैंने भागो। राजा भरतरी मन में विचार करे देखो एक मैंने कत्ती करामात आपाते मिर्ग ने खत्म कर दियो यार ए हज को पाचो इन्हें जीव तो कर दियो बा बे के हज को एक शब्द की लागी बे क्यों देखो एक मैंने कत्ती करामात है जो कोई मिरड़ा ने पाचो जिंदो कर दियो। गोरखनाथ बे राजा भरतरी का इंद्र बे का बे तीर का बाण हानी बेन बटे पटक दिया यार गोरखनाथ जी महाराज का पग पड़गा क्यों बाप जी आ थकाली करामात है जो मने देवो। गोरखनाथ जी महाराज क्यों बेटा आ करामात है थोड़ी मिले तू तो जंगल का मैंने जीव जंतु ने मार तो फिरे ई करामात का वास्ते भगवान का भजन करना पड़ी जरा इनकी करामात आता है। राजा भरतरी क्यों बाप जी भगवान का भजन कर ले यार मन है जो आपको शिष्य बनाओ चलो बनाओ। गोरखनाथ जी महाराज क्यों बेटा तेने चलो है नहीं बनाऊ तारी स्त्री है रानी पिंगड़ा तारी स्त्री है नी रानी पिंगड़ा और बिन तू मां केर यार बिगनू भिक्षा ले रहा है नी जर तेने चलो बनाऊ तो देखो बेके एक बार शब्द की लागी राजा भरतरी के उजिड़ नगरी को राज करता बेके राज के मैंने कहीं कमी पण बेके बार शब्द की लागबा बे सब ने छोड़ एर बे भगवान का भजन करिया तो आज संसार के मैंने बेको अमर नाम है। तो देखो और शब्द की गुण के लागी अरे सुल्तानी मगन वे राज ने अरे तजदिया बल कबकारा जी ये कजतिया
समय करे के इलिगे नीका जील के नीका मार के ओर जील के छोटी कान समय करे के बोलो भगत और भगवान की ये है जय हो। केवे है सुल्तानी मगन वैराग ने तस्दिया बलक बुकारा राजा सुल्तान बादशाह एर बलक बुकारा को राज करता है और बेके राज का मैंने की कमी कोनी बेके मुंडा के कटे नौकर काम करता बेके मुंडा के कटे दास्य काम करती राजा एक दिन बेके मुंडा के पास नौकरी करती नहीं दासी बिन कियो क्यों देख मैं अजु आज घूमबा के वास्ते जाऊं एर तने अजु को दो काम बुलार जाऊं एर मैं अटपा चाहूंगी जत पे दोनों काम अजु को मन तैयार मिलना दासी कियो राजा साहब बताओ तो जिन टाइम राजा केवे देख एक तो मारो मैं ले ली क्योंकि अजु को एकदम बढ़िया सफाई कर दीजिए और एक बार मार सौभाग्य सहज है बिनी एज को एकदम बढ़िया सजा दीजिए राजा भी दर्श ने अति बात के ए राजा एज को घूमबा के वास्ते निकल गया बाद दर्श काहे करियो पहली एज को आपके भी मेल की सफाई करी बढ़िया और पचबा राजा की सहज बिनी एज को एकदम बढ़िया सजाई अब दर्श एज को भी सहज के कन्ने बैठी बैठी विचार करे देखो राजा की सहज और इन्हें जो आप कत्ते गजब की सजाया एर एक ऊपर सोवेजर कांट कतों की मजा आ गए बादशाह ये इनको विचार करते करते भी राजा की सहज नहीं जिगो ऊपर सोएगी एर सोतने भी नहीं नींद आएगी क्यों बस सहज ये इनकी सजाओड़ी भी को मैंने अंतर पुलल चल गया उड़ा दर्शन सोते नींद आएगी और जो गेंद को बिना जो राजा सुल्तान बादशाह जो घूमता घूमता पाचा क्यों नहीं आ जाएगा हाँ। अबे राजा जो को मेल कमाई ने किया और आगे देखे तो दासी जो को भी राजा की शेष को ऊपर सुती यार नींद आयोडी राजा भी दासी ने देखी और राजा ने एकदम क्रोध जो हंसी सही राजा मन में विचार करे कांटा कौन का ही घर की यार आ तो आपने एक नौकरी करे है यार आपने शेष को ऊपर सुती है राजा का हाथ कमाने बाद चंबू की और एकदम बने रीस है जो रीस कमाने भी दो तीन सपीड मेल दिया खास बाद दासी का इधर भी सेज को प्रो खड़ी बैर हंसवा लागी बिना हंसो चालता ही राजा ने दुनी रीस है राजा का इधर दो तीन भी का सपीड और मिल गया अब राजा जो भी का ठोके नहीं जो भी ना हंसी आवे राजा मन में विचार करे अगर कोई आदमी को मार पड़े तो बिना रोना छावे यार इन्हें जो हंसी आवे ये को कारण काई राजा भी दासी ने क्यों दासी तने सातवीं गुना माफ है यार मन इनको कारण बता तो ना हंसी क्या नहीं है कोई आदमी को मार पड़े तो बिना रोना छावे यार तने जो हंसी आवे दासी क्यों राजा साहब इनको कारण बूझो मती और इनको कारण मैं आपने बताऊ नहीं जरा आप इसको पछताओ राजा क्यों दासी चाहे कुछ भी बजाओ बताना पड़ी तो जिन टाइम बाद दासी केवे देखो राजा साहब मैं ये थाकी सेज को ऊपर ज्यादा से ज्यादा नींद काटी तो एक घड़ी नींद काटी और एक घड़ी का मैंने आज को मार कत्ती मार पड़ी राजा साहब थाने तो आधी जिंदगी बेगी इको ऊपर सोता सोता यार थाके कांटे कत्ती मार पड़ी अति बात कहते एकदम भी राजा ने वैराग को ध्यान बना बाबा बेक शब्द की लागी राजा मन में विचार करे वास्तव में मैंने बात तो सही है आप वास्तव में मैंने अशुद्धि सहज है अरे गो पर वास्तव में मैंने आधी जिंदगी बिता दी और आदाशी के वजन आपने कांट कति मार पड़ी आगे भगवान के घर ये बात को विचार कर राजा ने एकदम विराग में गो तो राजा बेक काई कमी पण बा शब्द की लागबा मैंने सब ने त्याग सब ने छोड़ सुल्तानी मगन वैराग ने तस्दिया बुलक बुकारा अरे बेट पाल की चालता पग में लपट गई गारा पांच दंगा पोशाक थी पण ओडण कूदड़ वारा
अरे बे चला गया उजाड़ में नहीं खाया उतर भर के अन्न पानी आज को बिनी त्याग दियो यार जंगल का मैंने जार भगवान का भजन करिया तो आज देखो संसार का मैंने मेरे को अमर नाम है ये बाजिंद गोवा ऊंट जी भई लोग के वेश बमुआ गोवा किया करे रस्ता ने और मुआ किया करे यानी मुर्गा बाजिंदे जो एक जाति का पठान है यार आपने मेड़ता के कन्ने हिरनपुरी गांव है बट आज भी देखो मोटो मंदिर है समाधि लियोड़ी है बाजिंदे जो को एक बड़ा जीव का आदमी है जन रूपी जीव है और बे मौत को मैंने जानता कोनी मौत किन के है बाजिंदे जी को आपके एक दिन कहेंगे रथ के ऊपर बैठ यार हिरनपुरी गांव है भी गांव में कर निकला जब रास्ता का मैंने कोई गांव का मैंने रास्ता और भी रास्ता का मैंने कोई मेरड़ो ऊंट हो यार भी ऊंट के करने भी एक दो आदमी आनी जन भी बाजिंद कियो रथ के ऊपर बैठ उड़ाई क्यों जी थका ऊंट ने थोड़ा डोडो कर दियो यार मम उमर रथ है नहीं जब थोड़ा कटी को निकाल दी जर बे पाचो बाजिंद ने कियो के रे बाजिंद ओ ऊंट है जो डोडो वेवे कोनी ओ ऊंट मरगो बाजिंद मन में विचार करे एक मुंडो तैयार एक आंख तैयार एक कान तैयार एक पग तैयार एक पूछ तैयार एक नक जगे जो को पूरो तैयार है पण मरियो कटू क्यों मौत का मैं जानता कोनी कुछ में सरे बाजिंद बेन के रे भाई ओ मरियो कटू एक नक जगे जो को पूरो तैयार है फिर भी बाजिंद ने आज को समझायो के रे भाई बाजिंद एक महीने बाद जकी चाल वाली चीज नहीं बाज को बा निकल जाती रही अति बात कहते बाजिंद ने आज को एकदम ज्ञान लगो मैंने विराग लगो एकदम के अतो मोटो शरीर हे अतो मोटा शरीर का मैंने आज चीज निकल गई परी जर आपनो तो एक हाव छोटो शरीर है ई हिसाब तो आज चीज आपनी कद भी निकल सके भी ऊंटाली मौत न देख यार बे एन की शब्द की लागी जो बे रत्न बट्टी छोड़ दियो यार गांव के गोर में जार यार भगवान का भजन करवा लागा तो आज संसार का मैंने बे को भी अमर नाम है
कुआ में सेक परीद ने भई बोली मीठी भाषा भगत और भगवान की ए हा कुआ में शेख फरीद ने बोली मीठी भाषा वाह 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 शेख फरीद आ शेख फरीद है जो जंगल का मैंने 12 साल जो तपस्या करी 12 साल जंगल का मैंने तपस्या करी फिर 12 साल में जो पांचा घर आया घरार बे की माने कियो माँ मैं जंगल का महीने जो भगवान की 12 साल तपस्या करी हाँ मोदी जी सुनो शेख फरीद है जो बे की माने कियो माँ मैं जंगल का महीने 12 साल जो भगवान की तपस्या करी यार फिर भी मैंने भगवान दर्शन दिया कोने भगवान मिलिया कोने बे की माँ कियो बेटा 12 साल तपस्या तो करी पण तू बटे जंगल का महीने खातो काई शेख फरीद कियो माँ जंगल का महीने बटत काई का तो पेड़ पौधे को फल फ्रूट लागता जो बेन तोड़ तोड़ खा जाते होगा जर कियो बेटा जर भगवान को मिले भगवान को मिले काई तो हम बटे जंगल का महीने अपराध करियो इवास तक भगवान को मिले शेख फरीद कियो माँ मैं कई चीज को अपराध करियो क्यों भी पेड़ का महीने एट थारा महीने जो जीव बरोबर है पेड़ का महीने अपना का महीने जीव बरोबर बताइए क्यों तू बटे पेड़ पौधे का फल फ्रूट तोड़ तोड़ खातो नहीं जब तू तो हम अपराधी है पाप ले रही हो हम तन भगवान को मिले भगवान मिला हाँची कठिन भक्ति करे जब शेख फरीद मन में विचार करे यूं तो कठिन भक्ति किसी भाई हो 12 साल कांकड़ को मैंने भगवान का भजन किया देखी माँ कियो बेटा भगवान मिलने में तो हाँची कठिन भक्ति कर जर तने भगवान मिली शेख फरीद बेटा बेटा विचार करे कठिन भक्ति तो किसी हाँची दोरी भक्ति एक दिन जो गैन को बुने जो कोई बेरो हो बेरो बेरो जो को भी बेरा को ऊपर गया यार कोई लोहा के हाँची हाँटी हाँकड़ी भी हाँकड़ी को कहीं गिरे एक मुंडा तो बन जो आपकी कड़िया के यार एक मुंडो बन जो भी अकूड़ गए यार बेरा को मैंने उंदा लटका क्या यूं तो कठिन भक्ति किसी और कृष्ण भगवान ने जो 10-15 का अगला बनिया खुद 10-15 का अगला बन यार के बने टूचबा लग गया कुंडे बने शेख फरीद ने मैं उंदा लटकोड़ा ने जन टूचबा लग गया जी टाइम में शेख फरीद जी को मीठी भाषा बोली के कुआ में शेख फरीद ने बोली मीठी भाषा अरे कागा सब तन खाव जो मारा हाड ऊपरला माशा मारा दोई नेण मत खाव जो मन राम मिलन की आशा बे कागले ने बे शेख फरीद कियो बोले यो मारो शरीर है नी ओ पूरो खाजी जो पण मारी दो आंखे जो ए छोड़ दीजो एर मन भगवान ने जो दर्शन दे जो गेन को बने जो
ये कोई मारवाती हो लेडियो को वाल वही बटे भी बेरा पर पानी पापा ने क्यों नहीं आ जाओ लेडियो ने वो लेडियो का अवाल है जो शेख फरीद ने देखा यार मन में विचार करे कि ई डोकरा में ईशो कहीं दुख पुड़े जो बेरा कमरे ने ऊंधो लटकियो है अब आ बात है जो मैंने बूझ ली कि अरे शेख फरीद थक मैंने ईशो कहीं दुख पुड़े जो बेरा कमरे ने कहीं लटकिया हो शेख फरीद है जो भी लेडियो का अवाल ने कियो भाई तू था रिश्ते रिश्ते भेजा और मन छड़े मती मैं तो ही बेरा कमाई नहीं ऊंधो लटकी हूं मन भगवान दर्शन दे लड़ियों का वाल मन में विचार करे कि अगर बेरा कमाई नहीं ऊंधो लटक पाऊं भगवान मिल जावे जर तो वो काम आप ही कर लिया अब वो लड़ियों का वाल कहे कि बिना और तो कोई साधन मिलियो को नहीं ये कोई खेपड़ो जी को नूडियो का नूडियो काट रहा आपके बे शेख फरीद लटकोड़ा नहीं जैन आपका वो लड़ियों का वाल वो भी बेरा कमाई लटक कृष्ण भगवान है जिसको नारद जी भगवान ने कह रहे नारद कोई कोई भक्त दुखी है नारद जी भगवान घूमता घूमता या फिर भी बेरा कमाई ने दो आदमी उंदा लट गए नारद जी भगवान मैंने आता है कह रहे भाई बाहर निकलो शेख फरीद कियो थे कौन हो नारद जी भगवान कियो मैं भगवान हूं शेख फरीद कियो नहीं भगवान इनका थोड़ी है भगवान का तो माता पर मोर मुकटिया करे यार बे मुंडा कमाई ने बंशी बजावे यार पग कमाई ने बे आटे का कृष्ण भगवान को तो एन को रूप या करे नारद जी भगवान मन में विचार करे ये तो केनु कौन माने ओ हाकड़ो बंजोड़ा जी को तो 12 साल की बन बिगड़े ये नुड़ियाला का आधा घंटों को काम है ओ नुड़ियो क्यों नहीं बेरा कमाई ने पड़ियो नहीं नारद जी भगवान पाचा गया 5000 कृष्ण भगवान ने कियो भगवान एक बेराग मैंने दो आदमी ऊंधा लटकोड़ा यार बे कोई का बाप कोई कणो नहीं माने एक आदमी को 12 साल की कौन बिगड़े यार एक आदमी का आधा घंटा को काम है वो नूडियो उठो नहीं बेराग मैंने पड़ियो नहीं अगर आप ऐसे को बट आधा घंटा का मैंने नहीं पूको नहीं जर एक आदमी को तो काम मिल जाए तो जी टाइम देखो कृष्ण भगवान खुद असली रूप का मैंने आ रहे मैंने दर्शन दिया जर बे दोनों बाहर निकले बारे निकले जरा कृष्ण भगवान ही बटैया वो लड़ू का वाल जो वो ही बटैयो यार बे शेख फरीद है जो एक श्लोक बनियो बेटे लड़ू का वाल वो एक श्लोक बनियो बे शेख फरीद आनी जने गुरु कर मान्या यार कृष्ण भगवान बटैया क्यों गुरु और गोविंद ये दोनों खड़ा में किसके लागू पाई अरे बलियारी गुरु आपने मन गोविंद दियो मिलाई वो लड्डू का वाल भी शेख फरीद ने किया बाप जी ताको भलो भाई जब थका अंडा हूं भगवान का दर्शन मैं ही कर लिया पनाठानों को नहीं भगवान हाथा बेगा तो भी लड्डू का वाल की खतरा है आप भी के आधा घंटा का भी काम हो जाए अरे गोपी चंद जोगी ए ओ क्या जी अब ले लेना भगवा बाना
हाँ याद करो भाई, एक आए श्रीमान मोर्जी मोर्जी मोड़ पर शेखपुरा रोड पर उनका पता गांव थावड़ा ढोलक बजावे भाई आसिन भाई डोजना अशोक में भाई नोरजी टेला ये रिकॉर्डिंग कर रहा है श्रीमान मनीष साउंड ऑपरेटर भाई पोखरजी कुमार तारीख 3 पहला महीना 2019 मजरा की वो छा वाह भाई रतन जी ये फोटोग्राफ पी निवासी मिलन कस्तूरिया हाँ पूरो प्रोसियो ये सारा वजन आप रंगीला राजस्थान यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। धन्यवाद और पूर्व पड़ोसियों भाई महेंद्र जी और तुम जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे गोपी चंद्र गोपी वो क्या किले लिया भगवा बाना हे मेल जनाना छोटी अरे दो क्या परियल से जगाना मेल जनाना छोटी आ दो क्या परियल से जगाना शब्द की कुन के लागी ती पोती जड़े में मुझे दया दे यही करी गिड़े ताई ए पी पोती जड़े में खुद की आदे यही करी गिड़े ताई नरे तने की बाजी हित गया तने मन की ताल बजाई
दिन यो कविताई दिन के जाताई बुढ़िया वेला के जाना शुक्र पे करके इजे नीका दिन के नीका मार के ओरे जी लगे छोटी काल जम करके सब भगत जी क्या बात है मोर जी जो बोलो भगत तोर भगवान की जय है अपने अपने मात पिता गुरुदेव की जय एक ही गायब है दो।